नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अमौड़ा गोसाई की बाजार आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। रामकथा पर आधारित 130 फीट लंबी पेंटिंग बनाकर एक बार पुनः आजमगढ़ को गौरवान्वित किया है। इसके पूर्व में भी 2020 में कोरोना वायरस पर रंगोली बनाकर ये कलाकार बेटियां विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं। वस्तुतः भारत की सांस्कृतिक धरोहर को लोक कलाओं के माध्यम से चित्रित कर नई पीढ़ी तक संस्कार प्रेषित करना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कलाएं ही जन सामान्य को सहजता से प्रभावित करती है। इसलिए भारत के ऐतिहासिक पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर आधारित प्रमुख घटनाओं को विभिन्न लोक कलाओं जैसे मधुबनी, बिहार, पटचित्र, उड़ीसा, फड़ राजस्थान, पिछवई, नाथद्वारा व केरल म्यूरल, केरल में सभी प्रमुख घटनाओं को चित्रित किया गया। इस चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन 13 नवंबर को डॉक्टर राम अवतार शर्मा अध्यक्ष रामायण सर्किट भारत सरकार और मानस मर्मज्ञ राजर्षि गांगेय हंस विश्वामित्र ने संयुक्त रूप से किया था। इस चित्र प्रदर्शनी के साथ ही 2 दिवसीय विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। क्या कुछ कहा डॉक्टर पूनम तिवारी ने, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर लीना मिश्रा। क्या कार्यक्रम आएगा? फाइन आर्ट सेंटर की ओर से लोकाभिरामम एक लोक चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें गणेश स्तुति से लेकर राम जल समाधि तक सबसे लंबी राम कथा 130 फीट चित्रित है। सभी लोक कलाओं में इसे चित्रित किया गया है। विभिन्न प्रदेश में जैसे मधुबनी फड़, पटचित्र, मधुबनी, केरल म्यूरल, इन सभी लोक कलाओं में सारा चित्रण हुआ है। इसमें कितने लोग पुरस्कार बताया? 53 लोग इसमें प्रतिभाग किए हैं और सभी शहर की कलाकार बेटियां हैं जिन्होंने इतनी लंबी चित्रकथा चित्रित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया में अपना नाम दर्ज कराया। और खुशी इस बात की है कि फाइन आर्ट सेंटर की ओर से यह दूसरा रिकॉर्ड है। इससे पहले हम 1200 स्क्वायर फीट की रंगोली बनाकर कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए यह रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा चुके हैं। बच्चों को कैसे जागरूक किया जाएगा? यह कार्यक्रम बच्चों के जागरूक करने के लिए ही था। जो हमारी भारतीय सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे पौराणिक चरित्र हैं, हमारी जो कथाएं हैं, उन्हें बचाने के लिए, उनकी जो महत्ता है वो नई जनरेशन को देने के लिए, और जो भारतीय लोक कलाएँ हैं, जैसे आज हमारी रसोई दादी माँ के खजाने से चलती है, वैसे ही ये जड़ हैं हमारी। इन मूल को नहीं भूलना चाहिए। इन लोक कलाओं के संवर्धन के लिए ही इसमें चित्रण किया गया, ताकि आज की आने वाली पीढ़ी इसे हमेशा ध्यान रखे और उसके महत्व को समझे। क्या नाम है? मैं डॉक्टर पूनम तिवारी, सचिव नारी शक्ति संस्थान। क्या कार्यक्रम है ये? कार्यक्रम 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगी है और जिसमें राम के चरित्र को वर्णित किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारी लड़कियां हैं, न्यू जनरेशन की हैं, और वो उन लड़कियों ने इसे चित्रकला की प्रदर्शनी में सारे चित्र को दर्शाया है। और ये बहुत अच्छा मैसेज जाता है, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है इन चीज़ों को एकदम ख़त्म कर चुकी थी। उस चीज़ को डॉक्टर लीना मिश्रा फाइन आर्ट सेंटर की निदेशिका का बहुत सराहनीय प्रयास है। और कल से हम लोग देख के बहुत प्रसन्न भी हो रहे हैं। काफ़ी संख्या में महिलाएँ आई भी हैं और बहुत बहुत बधाई डॉक्टर लीना मिश्रा को।